तो देखो रेसलमेनिया 40 की तरफ तो हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम लोग बहुत दिन से कह रहे थे भाई उसका स्टेज कैसा होगा, WWE स्टेज कैसा बनाएगी, उसके क्या अपडेट है। तो फाइनली रेसलमेनिया 40 के स्टेज को लेकर एक छोटी सी अपडेट आई है सामने, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। द रॉक ने रिसेंटली वार्निंग भी दी जब वो मंडे नाइट रॉ के अंदर कम बैक करेंगे, और कुछ उनके नाइट 2 के प्लान्स को लेकर बातें आई हैं सामने, और भी तुम्हें कुछ अपडेट जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लेकिन हम लोग वीडियो को शुरू करने वाले रियो रिप्ले एंड नाया जैक्स के साथ में। इन दोनों ने रिसेंटली लाइव इवेंट के अंदर कंपीट किया, लेकिन वहां चीजें कुछ ऐसी हुई है ना कि फैंस कहने काश वो नाया जैक्स की जगह होते। बेसिकली यहाँ जो रियर रिप्ली है वो टर्न बकल की जो नीचे वाली है वहां पर नाया जैक्स बैठी होती है, और थोड़ा जो रिकीशी वाला मूव है ना रियर रिप्ली ने कनेक्ट किया है नाया जैक्स के फेस के ऊपर, और तुम लोग समझ रहे हो कि लौंडे ऐसा क्यों कह रहे हैं, काश वो नाया जैक्स की बॉडी में होते। तो ये कुछ हुआ लाइव इवेंट के अंदर रिसेंटली, जो कि मुझे लगा शेयर करना चाहिए, थोड़ा अजीब था लेकिन जो था वो तो यही था। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, इस बारे हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk के बारे में जुड़ी है, बिकॉज रिसेंटली CM Punk ने भी टीज कर डाला है कि उनके पास भी कुछ बड़े प्लान्स हैं रेसलमेनिया 40 को लेकर। ऑलरेडी ये बात एक्सपेक्टेड थी कि CM Punk शायद रेसलमेनिया के प्लान्स का पार्ट बनेंगे, और पंक ने किया क्या, रिसेंटली उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक स्टोरी पोस्ट की है जिसका स्क्रीन शॉट देख पा रहे होगे। यहाँ पे लिखा है वर्किंग ऑन समथिंग कूल फॉर द फैंस दैट आर कमिंग टू मेनिया। यहाँ पर उनकी पूरी हम लोग देख रहे हैं मर्च व शूज वगैरह सब पड़े हुए हैं। तो CM Punk यहाँ ये कह रहे हैं कि जो भी लोग रेसलमेनिया के लिए आ रहे हैं ना उनके लिए कुछ कूल प्लान कर रहे हैं हमारे CM Punk। एंड इवन उन्होंने एक और स्टोरी पोस्ट की जहां पर वो और रैंडी ऑर्टन है, उन्होंने ये लिखा कि साथ में मैंने एक चीज फिल्म भी की है रैंडी ऑर्टन के साथ में लास्ट नाइट, जो कि डेफिनेटली लोगों को पसंद आने वाली है। तो CM Punk ने कुछ बड़े हिंट्स ड्रॉप किए हैं रेसलमेनिया 40 को लेकर, तो ये बात कंफर्म करते हैं कहीं ना कहीं कि हमारे जो बेस्ट इन द वर्ल्ड है वो इस साल शोज ऑफ द शोज का पार्ट बनेंगे किसी भी हालत में। जिन लोगों को नहीं पता है, जो आने वाला मंडे नाइट रॉ का एडिशन होगा शिकागो के अंदर होगा, और यहां पंक अपनी वापसी करेंगे मंडे नाइट रॉ के अंदर, तो हम लोग समझ लो कि CM Punk कुछ ना कुछ तो बड़ा यहां पर डेफिनेटली रिवील करने ही वाले हैं। जिसके बाद वाली स्टोरी है वो इस बार जुड़ी है ड्वेन जॉनसन द पीपल चैंप द रॉक के बारे में। द रॉक ऑडियंस का मजाक बनाते हैं, मामा रोड्स पता नहीं क्या-क्या इंक्लूड कर दे रहे हैं अपने प्रोमोस के अंदर, लेकिन डेफिनेटली वो चीज लोगों को पसंद आ रही है। और वह क्या, जब हमारे मंडे नाइट रॉक के अंदर कमबैक करेंगे ड्वेन जॉनसन, वो कि 1 अप्रैल वाला शो होगा। इससे पहले द रॉक ने एक वार्निंग टाइप पोस्ट की है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। पहले यहाँ पर उन्होंने कुछ कमेंट लिखे, द रॉक हैज मेड प्रो रेसलिंग कूल एंड एक्साइटिंग अगेन, द रॉक हैज मेड प्रो रेसलिंग अनप्रेडिक्टेबल एंड ही चेंज द गेम एंड रेज द बार अगेन, द रॉक इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिंक्टिव एंड द हॉटेस्ट हील प्रोफेशनल रेसलिंग हैज सीन इन लास्ट 20 ईयर्स, यू आर वेलकम मामा रोड्स, द रॉक हैज वेरी स्पेशल बेल्ट फॉर बींग मेड फॉर यू, योर टीयर्स कोडी ब्लड एंड माई हैंड, आई विल सी यू सून मामा रोड्स फाइनल बॉस। यानी कि कुल मिलाकर द रॉक का कहने का मतलब ये, भैया प्रोफेशनल रेसलिंग फिर से कूल हो चुकी है द रॉक के कारण, द रॉक के कारण चीज एक बार फिर से अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है, द रॉक के कारण 20 साल में जो WWE को हॉटेस्ट हील नहीं मिला वो मिल चुका है, और मामा रोड्स द रॉक के पास एक बहुत स्पेशल गिफ्ट है तुम्हारे लिए, जो कि वो जो वेन बेल्ट है वो कहते हैं कि तुम्हारे आंसू कोडी का खून और मेरे हाथ। ये कुछ बातें फाइनल बॉस की तरफ से आई है मंडे नाइट रॉ से पहले, तो देखो भाई क्या होता, क्या एक्चुअल में द रॉक ही चीजें करेंगे या फिर नहीं। आई मीन इमेजिन अगर ये सीन एक्चुअल में होता तो कुछ ज्यादा पर्सनल वाला लेवल हो जाएगा नाइट वन के ऊपर। जब मैं नाइट वन की बात कर ही रहा हूँ, हम लोग नाइट टू के बारे में भी बात करते हैं, बिकॉज नाइट टू के ऊपर द रॉक के प्लान्स को लेकर कुछ अपडेट आई है सामने। देखो अभी फिलहाल कुछ बातें कन्फर्म तो नहीं कि द रॉक किस तरीके से कम्पीट करेंगे और नाइट वन के ऊपर क्या ब्लड लाइन रूल मैच होगा या फिर नहीं, द रॉक की नाइट टू की क्या प्लान्स होंगे, लेकिन रिसेंट टाइम एक बिलीव आ रहा है सामने वो ये कि द रॉक नाइट टू के लिए भी शेड्यूल किए गए हैं, यानी कि हमारे जो ड्वेन जॉनसन है वो नाइट टू का पार्ट भी बनने वाले हैं। अब वो किस तरह से होगा, क्या WWE ने मैच में इंक्लूड करेगी, WWE ने क्या जो ब्लड लाइन रूल्स मैच अगर बनता है तो वहां किस तरीके से यूज करेगी, ये बात कंफर्म नहीं है। लेकिन तुम्हें जो द रॉक की प्रेजेंस है वो नाइट टू पे भी देखने के लिए मिल सकती है। वैसे हमने देखा था ये स्टोन कोल्ड आए थे केविन ओवेंस से फेस करने के लिए नाइट वन के ऊपर, लेकिन नाइट टू पे भी हमारे टेक्सास टाइटल्स ने विंस पैट मैकफी ऑस्टिन थ्योरी इन सभी के साथ एक सेगमेंट में इन्वॉल्व थे। तो मुझे लग रहा है WWE अगर द रॉक को रेसलमेनिया में ला रही है उन्हें वो दोनों नाइट लाएगी, और ये भी फिलहाल बैक स्टेज के ऊपर भी अच्छा खासा बिलीव है। तुम लोग चाहते हो कि द रॉक नाइट टू के ऊपर भी अपीयर हो, मैं तो चाहता हूँ भाई, ताकि वो जो बीट्रे वाला एंगल है ना रोमन के साथ में वो थोड़ा और हाईलाइट हो जाए चीजों में। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ, इस बार ये बेली के बारे में जुड़ी है। रेसलमेनिया 40 की वैसे मेन इवेंट कंफर्म तो नहीं, लेकिन हम लोग का ऐसा ही मानना है कि नाइट टू का चलो मेन इवेंट कंफर्म है कि रोमन कोडी होगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, लेकिन नाइट वन के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली जो टैग टीम
मैच होगा यानी कि रोमन ब्लड लाइन ये जो पूरा मैच है कोडी सेथ के खिलाफ ये मेन इवेंट होगा। बाय द वे रिसेंटली बेली की एक अलग ख्वाहिश है, बेली ने रिसेंट टाइम में अपना एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने यहाँ पर ये बात रिवील की भाई ऐसा क्यों नहीं है कि दोनों नाइट्स को वुमेन्स ही मेन इवेंट कर लें। वो कहते हैं आज तक अभी तक हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है कि जो मेन इवेंट है वो वुमेन्स करे दोनों की दोनों नाइट्स को, स्पेशली जब तुम्हारे पास रिया रिप्ली और बेकी लिंच जैसे कैलिबर वाले सुपरस्टार है। वो बताते हैं किस तरीके से बेकी लिंच का कैरियर ऑलरेडी बहुत इंसेन रहा है और अचानक से रिया रिप्ली को भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई है, फैंस उन्हें पसंद कर रहे हैं वो डेफिनेटली चीज है, लेकिन रिया रिप्ली अभी बहुत ज्यादा यंग है। रिया रिप्ली के पास टाइम है कि उन्हें रेसलमेनिया के अंदर एक फ्यूचर मेन इवेंट मिल जाए, इसलिए ये जो साल है वो बिलोंग करता है बेली एंड ईयू स्काई से। वो कहते हैं रोल मॉडल का साल है, रॉयल रंबल से चीजें पूरी शुरुआत हुई थी और बेली चीज के लिए बहुत लंबे टाइम से लड़ रही है। बेकी लिंच को ऑलरेडी उनका स्पॉट मिल चुका है लेकिन अभी बारी है रोल मॉडल डिंग डोंग बेली की कि वो मेन इवेंट वाला स्पॉट आके करें। इवन बेली यहां पर ये भी सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि नाइट वन और नाइट टू दोनों के ऊपर जो वुमेन्स है मेन इवेंट कर लें और ये डब्ल्यू डब्ल्यू की हिस्ट्री में भी हो जाएगा, ये अभी तक हुआ नहीं, तो क्यों ना इस साल कर लिया जाए कि दोनों नाइट्स को वुमेन्स मेन इवेंट करती हुई नजर आए। लेकिन अगर एक का भी मौका मिलता है विद ड्यू रिस्पेक्ट बेली ये कहती है कि रिया रिप्ली वो स्पॉट तुम्हारा नहीं वो स्पॉट मेरा होगा बिकॉज अभी तुम बहुत ज्यादा जवान हो बहुत ज्यादा यंग हो। तो बेली की तरफ से ये कुछ बातें आई हैं सामने कि उनके हिसाब से जो दोनों वुमेन्स वाले मैच हैं उनको मेन इवेंट करना चाहिए रेसलमेनिया 40 को। आई डोंट थिंक सो ऐसा हो पाएगा, लेकिन अगर तुम्हें ऑप्शन मिलता है कि मान लो तुम ट्रिपल एच हो तुम पूरे डायरेक्टिव क्रिएटिव कंट्रोल जो भी है तुम्हारे हाथ में, तो क्या तुम दोनों वुमेन्स के मैचेस को मेन इवेंट करवाओगे? चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। रेसलमेनिया 40 के बारे में जुड़ी है लेकिन बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि रेसलमेनिया 40 का स्टेज कैसा होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू स्टेज कैसा बिल्ड कर रही है, उसको लेकर क्या अपडेट है। तो जस्ट तुम लोगों को बता दो कुछ बातें आ रही हैं सामने और एज पर स्पेकुलेशन कंस्ट्रक्शन जस्ट स्टार्ट हो चुकी है, डब्ल्यू डब्ल्यू ने उसकी प्रिपरेशन करने चालू कर दी है। अब धीरे धीरे करके जो वेन्यूज की फोटोज वीडियोज ये सभी रिवील होती हुई नजर आएंगी। आज भी फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 24 तारीख है और डब्ल्यू डब्ल्यू के रेसलमेनिया इवेंट को होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मतलब हार्डली तुम्हें 2 हफ्ते से भी कम का टाइम है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू ने इसलिए स्टेज बनाना चालू कर दिया है। तो फैंस को बस थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, फोटोज वीडियोज क्लिप्स सब धीरे धीरे करके रिवील हो जाएंगी। डेफिनेटली जिस तरीके से हमने लास्ट ईयर का स्टेज देखा था डब्ल्यू डब्ल्यू इस साल भी एक अच्छा स्टेज डिलीवर करने वाली है और मेरे हिसाब से ट्रिपल एच फैंस को डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम लोगों को वीडियो क्लिप का इंतजार है तो भाई थोड़े दिन और रुक जाओ, बस स्टेज की कंस्ट्रक्शन चालू हुई है, वीडियो क्लिप भी काफी जल्दी सरफेस हो जाएंगे और डेफिनेटली उसकी अपडेट तुम्हें चैनल के ऊपर मिल जाएगी। बस तुम्हें उसके लिए एक छोटा सा काम करना है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। आई रियली होप कि अब तुम लोग थोड़ा वेट करोगे रेसलमेनिया के स्टेज की क्लिप्स वगैरह आने का। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मैं भी रेगुलर होने का ट्राई कर रहा हूं, तुम भी हो जाओ। बाकी मैं मिलता हूं आगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।